इस जगह को नोट करें, पहले से थोड़ा आगे जाएं। आपकी नेक की एक्सरसाइज, आंखों की एक्सरसाइज, शोल्डर की, उंगलियों की, कमर की, ओ पांव तक। इनहेल एक्सेल। अब उंगली को नीचे करेंगे, उंगली को नीचे करेंगे। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। एक और राउंड लेंगे। इनहेल एक्सेल, पहले से आगे। इनहेल एक्सेल, इनहेल रिलैक्स। लेफ्ट राइट, बॉडी को ढीला छोड़ देंगे। राइट लेफ्ट, बॉडी को ढीला, नेक को ढीला, कमर को ढीला। राइट लेफ्ट, इनहेल एक्सहेल। एक तरफ सांस लेंगे, एक तरफ सांस निकालेंगे। बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, जैसे न्यूट्रल है, कोई ताकत नहीं। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। अच्छा, अभी जो हम एक एक्सरसाइज करेंगे, इसमें आप देखेंगे एक ही एक्सरसाइज में चार पांच एक्सरसाइज होंगी। एक ही एक्सरसाइज करेंगे, इसमें बेंडिंग भी होगी, ट्विस्टिंग भी होगी, स्ट्रेचिंग भी होगी, और कोना आसन भी होगा। राइट लेफ्ट फ्रंट बैक, पांव खोलेंगे, पांव की डायरेक्शन सीधी, बाजू खोलेंगे और आगे की तरफ देखेंगे, सामने देखेंगे। फ्रंट राइट ऊपर, हाथ ऊपर, राइट हाथ ऊपर, लेफ्ट नीचे, और ऊपर वाले हाथ को देखेंगे, ऊपर वाले हाथ को देखेंगे। आपके देखें शोल्डर की एक्सरसाइज, सर्वाइकल की, स्पाइनल की, डाउन अप बैक अप फ्रंट। फकत बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, लेफ्ट डाउन अप बैक अप फ्रंट। अब हम राइट भी करेंगे, लेफ्ट भी करेंगे। राइट लेफ्ट राइट, ऊपर वाले आपको देखेंगे, ऊपर वाले आपको देखेंगे, ऊपर वाले आप 180 डिग्री लेफ्ट, नीचे नहीं देखेंगे। फ्रंट अप बैक अप। अब दोनों हाथ नीचे ले जाएंगे, लेफ्ट को ऊपर उठाएंगे। इनहेल, अब राइट की तरफ आएंगे, कोना ऐसा डाउन
अभी यहीं पर हम जो ऊपर वाला हाथ है उसको ऊपर उठाएंगे, हाथ नीचे वाला इधर ही होगा, बॉडी इधर ही होगी, फकत ऊपर वाले हाथ को ऊपर उठाएंगे। इनहेल अप और हाथ को देखेंगे, अपने बाजू को देखेंगे जो ऊपर उठा हुआ है 180 डिग्री। इनहेल अप रिलैक्स। कोणासन भी किया हमने, फिर इसका उलट भी किया। अब दोबारा राइट हैंड, इनहेल एक्सहेल, अब राइट बाजू को उठाएंगे, इनहेल ऊपर देखेंगे, बाजू को देखेंगे, बाजू को देखेंगे, प्रेशर देखें, एक नीचे एक ऊपर। इनहेल एक्सहेल, दोबारा लेफ्ट हैंड अप, इनहेल एक्सहेल राइट, फकत बाजू को उठाएंगे, इनहेल अप, ऊपर बाजू को देखेंगे, लेग की पोजीशन चेंज हो जाएगी। एक्सहेल अप, एक और सेट, इनहेल राइट अप, एक्सहेल डाउन, राइट एंड अप, रिलैक्स, लेफ्ट राइट, मैट ले लो बेटा, उधर से बैग में मैट है। अच्छा, अब वहाँ में फर्क ये है, यहाँ में सूरज डायरेक्ट सुबह को पड़ रहा है, तो आप एक आदत बनाएं जो रोज़ाना सूरज को हम 5 सेकंड से शुरू करें, पूरे इस वक्त इससे या तो थोड़ा नीचे हो या यहाँ हो या थोड़ा सा ऊपर हो, आंखें खोलकर यहाँ घास पर आकर, ये नीचे आकर आंखें खोलकर सूरज को देखेंगे, आंखों को झपकेंगे नहीं, और आपको आप देखेंगे 2-4 सेकंड में आप सूरज के ऊपर हावी हो जाएंगे, तो वो सारी एनर्जी आपके अंदर चली जाएगी, आंखों को बंद नहीं करना है। फिर 5 सेकंड से शुरू करेंगे इसको, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड तक ले जाएंगे, और इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, मगर बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो वो जो एनर्जी डायरेक्ट आपकी आंखों में और जो नीचे आपका एनर्जी लेवल है, ये दोनों मिलकर जो है ना आपकी ज़बरदस्त आपकी नज़र को, आई साइड को, इंटरनल जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं उसको मजबूत कर देंगे। तो हम सूरज को देखेंगे सूरज की तरफ और आंखें बंद नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे 5 से 10 सेकंड तक देखें, जोर से देखेंगे, आप देखेंगे तो सूरज एकदम जो है काला होना शुरू हो जाएगा, आप सूरज के ऊपर हावी हो जाएंगे। अब हाथों को रब करेंगे और आंखें हल्की सी बंद करके आंखों को मसाज करेंगे, हल्का सा मसाज, जोर नहीं देर लगाएंगे, पूरे चेहरे का मसाज, आंखों का मसाज, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बेहतरीन एनर्जी है सूरज की, और इसको हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया है, तो हम इसको थोड़े से टाइम से शुरू करें, 5-7 सेकंड से, फिर इसको हम आगे बढ़ाते जाएं। अब आखिरी एक्सरसाइज, वीर बहादुर पोज, हमारे इंटरनल अपने लोअर पोर्शन के एक्सरसाइज, राइट पाँव की वी बनाएंगे ऐसे, और ये दोनों बाजू खोलेंगे, एक लेफ्ट पाँव हमारा सीधा, राइट पाँव की बनाएंगे, अब राइट लेग को बेंड करेंगे, डाउन, सामने देखेंगे, बहादुर हमेशा सामने देखते हैं, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, प्रेशर देखें आप घुटनों में, थाइस में, कमर में, शोल्डर में, नीचे, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, वेरी गुड, वेरी गुड फॉर्मेशन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल
अप एक्सेल रिलैक्स। पाँव चेंज करेंगे, लेफ्ट पाँव को टी बनाएंगे, राइट पाँव क्यूबा, दोनों बाजू शोल्डर लेवल पर, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, लास्ट टाइम, ब्रीथ इन, रिलैक्स, नॉर्मल सांस, अब हम लेट जाएंगे अपने अपने लेट पर और इंशाल्लाह लेटने की एक्सरसाइजें करेंगे, पहले सीधी फिर उल्टी फिर थोड़ी सी बैठने के बाद फिर प्राणायाम करेंगे, सांस की एक्सरसाइज। सांस की तो हमें इतनी हर एक्सरसाइज के साथ सांस की एक्सरसाइज है, मगर वो जो कपाल भाटी और अल्टरनेटिव अनुलोम विलोम वो भी इंशाल्लाह करेंगे, थोड़ी देर के लिए लेट जाए, बॉडी को ढीला छोड़ दें, आँखों को बंद कर दें, पहले अपने चेहरे को ढीला करें, जबड़ों को ढीला करें, सर को इस तरह से पूरी बॉडी को चल से चल के लिए रिलैक्स करें। बॉडी को ढीला छोड़ दें और ये सीखें कि जब हम सोएं, तो जो मैंने पहले अर्ज किया था कि हमारी नींद पूरी नहीं होती है, थकावट ख़त्म नहीं होती है, कि हम सही सोते नहीं हैं, अपनी बॉडी को रिलैक्स नहीं छोड़ते हैं, हमें बॉडी को रिलैक्स छोड़ना है और चंद सेकंड के लिए सोने के टाइम पर हम अपनी बॉडी को सबक दौड़ाएंगे तो देखेंगे कि हमारी पाँव जो नींद ढीली है नहीं है तो उसको ढीला कर देंगे, पाँव के चलिए ढीले नहीं हैं तो उसको ढीला कर देंगे। इसी तरह से एड़ियों से लेकर जबड़ों तक सर तक हम एक जायज़ा लेंगे और इंशाल्लाह करवट लेकर सोएंगे तो हम सुबह से जब उठेंगे तो रिलैक्स उठेंगे और सारी थकावट हमारी सारी रिपेयरिंग हो जाएगी, मगर हम रिलैक्स नहीं सोएंगे, सोच कर सोएंगे, वो दिमाग में वही चीज़ें हमें दीन ने क्या सिखाया है कि जब आप सोए तो माफ करके सोए, वजू करके सोए, जब आपको कोई किसी ने तकलीफ पहुंचाई है तो जब आप उसको माफ करेंगे तो आप वैसे ही रिलैक्स हो जाएंगे, तो हम माफ करने वाले बन जाए, दरगुजर करने वाले बन जाए और इशार वाले कुर्बानी वाले बन जाए, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, हर इंसान के लिए दुनिया के जितने भी इंसान हैं उनके लिए हम आसानियाँ पैदा करें तो अल्लाह तबारक तआला हमारे आसानियों के दरवाजे खोल देगा। अब दोनों हाथ पीछे ले जाएंगे, दोनों हाथों को जोड़ेंगे, पाँव को जोड़ेंगे, हाथों को पीछे खींचेंगे, पाँव को आगे खींचेंगे, जोर लगाएं, कद बढ़ाएं, स्पाइनल को सीधा करें, शोल्डर को, बाजू को, उंगलियों को, टोस को आगे कर लें, रिलैक्स, अगेन, रिलैक्स। अब हम क्या करें, इसको बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं, जहाँ जहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही है, जहाँ जहाँ ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुँच पा रही है वहाँ तक हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। स्टॉप, कहते कहते पीछे कहते पाँव को आगे, रिलैक्स, अल्हम्दुलिल्लाह। अब अपने बाजू को थोड़ा सा बेंड करके दोबारा रिलैक्स कर लें, पूरी बॉडी को रिलैक्स कर लें, बाजू को थोड़ा सा बेंड करें और पेट को छोड़ दें ढीला,
इसको लीला आंखें बंद, सांस पर तवज्जो, सांस नॉर्मल। अल्हम्दुलिल्लाह। अब दोनों दोबारा बाजू भी चले जाएंगे। अब हम राइट बाजू को ऊपर करेंगे और लेफ्ट लेग को, फिर उसको नीचे करेंगे। अब राइट लेफ्ट बाजू और राइट लेग अल्टरनेटिव, छोड़ देंगे, राइट को पकड़ेंगे, लेफ्ट को नीचे ले जाएंगे, डाउन राइट ऊपर लेफ्ट नीचे। अब प्रेशर देखें आपके थाइस में, पीछे कंजियों के पीछे नीचे। इनहेल अप, लेफ्ट को पकड़ेंगे, राइट को छोड़ देंगे, डाउन उठना सीधा, राइट अप एक्सरसाइज को चार हिस्सों में। अभी ये जो हमने टांग को ऊपर किया हुआ है, अब हम एक्सहेल करके सर को घुटने के साथ लगाएंगे। एक्सहेल, हाथ इधर ही होगा, दूसरी टांग हमारी जमीन पर। अब इनहेल करके अपने सर को नीचे रखेंगे, टांग ऊपर ही होगी। इनहेल एक्सहेल, अल्हम्दुलिल्लाह। लेफ्ट अप, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, राइट इनहेल घुटना सीधा, एक्सहेल सर को घुटने के साथ लगाने की कोशिश करेंगे। पांव इधर ही होगा, सर नीचे, इनहेल एक्सहेल, लेफ्ट इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। अब इस एक्सरसाइज को थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज करेंगे। पहले घुटने दोनों बेंड करेंगे, आप नोट करना आगे। लेफ्ट पांव राइट घुटने के ऊपर रखेंगे, घुटने से थोड़ा नीचे थाइस की तरफ, पांव इधर ही रहेगा, लेग इधर ही रहेगी। ये 44 एंगल पर हमारा बैंड है। अब राइट पांव को ऊपर उठाएंगे, इसी तरह से पकड़ेंगे, इनहेल और ऊपर उठेंगे, एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, माशाल्लाह। अब दोबारा घुटने बैंड करेंगे, राइट पांव लेफ्ट घुटने के ऊपर, और लेफ्ट लेग को पुल करेंगे अप, पांचों से पकड़ लें, पांचों से पकड़ लें, पीछे से एक्सहेल,
इनहेल एक्सहेल। ये फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि हम जो एक्सरसाइज करें वो इंशाल्लाह हमें उसका गोल मिले, मगर दिल छोटा नहीं करना है। थोड़े वक्त के साथ इंशाल्लाह ताला हम ये सब कर सकते हैं। एक मरतबा दोबारा करेंगे, घुटने बेंड करेंगे, लेफ्ट पांव राइट घुटने के ऊपर, राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। लास्ट टाइम लेफ्ट घुटना बेंड, राइट पांव पर रखेंगे, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, रिलैक्स। अब थोड़ी सी कमर की एक्सरसाइज, बिल्कुल आराम की एक्सरसाइज, दोनों घुटने बेंड करेंगे और कोनिया जमीन पर रखेंगे, हाथ ऊपर उठाएंगे, 15 मरतबा कमर को अप एंड डाउन करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये तो कर सकते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये राइट पांव दोबारा लेफ्ट घुटने के ऊपर रखेंगे और 10 मरतबा अप एंड डाउन करेंगे, एक पांव हमारा नीचे जमीन पर, एक पांव हमारा घुटने के ऊपर, स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स, पांव चेंज करेंगे, स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। अब जो कमर की एक्सरसाइज करेंगे इसमें हमारी थायराइड की भी एक्सरसाइज हो जाएगी और कमर की भी एक्सरसाइज हो जाएगी और पूरी बॉडी में स्ट्रेच आएगा, आप देखेंगे आपको मजा आ जाएगा। दोनों घुटने बेंड करेंगे और कमर को ऊपर उठाएंगे, नीचे से सपोर्ट देंगे, आपकी बिल्कुल बनाएंगे, पांव को करीब ले आएंगे, कमर को ऊपर उठाएंगे और हाथ पीछे ले जाएंगे शोल्डर के साथ और गर्दन को ब्रेक करेंगे, ब्रिज बनाएंगे, ऊपर उठाएंगे, अप, गर्दन बिल्कुल पीछे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, रिलैक्स। बॉडी का प्रेशर आया, पूरी बॉडी को अभी रिलैक्स कर दें ताकि ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाए।